गोगाजी महाराज सिद्धनाथ वीर गोगादेव राजस्थान के लोकप्रिय देवता हैं। गोगाजी महाराज को जाहर वीर के नाम से भी पहचाना जाता है। राजगढ़ से हनुमानगढ़ जिले का गोगामेड़ी शहर है। इस जगह पर भादव शुक्ल की नवमी को गोगाजी का विशाल मेला लगता है। उससे पहले और रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ब्लू प्लेनेट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीर गोगाजी महाराज गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य थे। जाहर वीर गोगाजी का जन्म चूरू जिले के ददरेवा गांव में विक्रम संवत 1003 में हुआ था। अपनी अपार लोकप्रियता के कारण जाहर वीर को मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़े चाव से पूजते हैं। ये स्थान हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक भी माना जाता है। गोगाजी महाराज का जन्म राजस्थान के ददरेवा चूरू जिले के शासक जीवर सिंह चौहान वंश के राजपूत की पत्नी बाछल की कोख से और गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से भादो शुक्ल नवमी को आप धरती पर अवतरित हुए। जिस समय गोगाजी का जन्म हुआ उसी समय एक ब्राह्मण के घर नाल सिंह वीर का जन्म हुआ और एक हरिजन के घर भज्जू कोतवाल नाम का एक बालक पैदा हुआ और एक वाल्मीकि के घर रत्ना जी का जन्म हुआ और ये सभी बालक आने वाले समय में गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हुए। गुरु गोरखनाथ जी के पहले अक्षर से ही गोगाजी का नाम रखा गया है। राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगाजी वीर प्राप्त राजा थे। हरियाणा से राशि सतलुज राज्य गोगाजी के अधीन थे। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि इतने साल बीत जाने के बावजूद भी गोगाजी महाराज के घोड़े का अस्तबल आज भी वैसे का वैसा है। गोगाजी के जन्म स्थान पर ही गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम भी है और वहीं पर गोगाजी महाराज की घोड़े पर सवार मूर्ति भी मौजूद है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ मन्नते लेकर आते हैं और गोगाजी महाराज के दर्शन करके अपने आप को पावन महसूस करते हैं। आज भी सर्प दंश की मुक्ति के लिए गोगाजी महाराज को रिझाया जाता है। श्रद्धालुओं का ये मानना है कि सर्प दंश से मुक्ति के लिए उस शख्स को यदि मेड़ी तक लाया जाए तो वो व्यक्ति सर्प दंश से मुक्ति पा सकता है। भादो मास की शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की नवमी को यहाँ भारी मेला लगता है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर उपखंड में गोगाजी का पावन धाम गोगामेड़ी स्थित है, जो कि गोगाजी के जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक हिंदू और एक मुस्लिम पुजारी भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक यहाँ श्रद्धालु गोगाजी की समाधि तथा गोगाजी महाराज के जन्म स्थान पर मत्था टेकते हैं। हर साल यहाँ लाखों लोग धोक लगाने आते हैं। यहाँ पर गोगाजी की एक छड़ी भी है, जिस छड़ी का अपना अलग ही महत्व होता है। जो साधक छड़ी की साधना नहीं करता उसकी साधना अधूरी ही मानी जाती है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि जाहर वीर छड़ी में ही निवास करते हैं। लोगों का इस संबंध में ये भी मानना है कि छड़ी पर नार सिंह वीर, सावल सिंह वीर आदि कई वीरों का पहरा रहता है। ये छड़ी लोहे की सांकलों जैसी होती है, जिस पर एक मुठ्ठा लगा होता है। कहा जाता है कि जब तो गोगाजी के जागरण में छड़ी नहीं होती है तब तक वहां पर जाहर वीर हाजिरी नहीं देते। ठीक उसी प्रकार जब तक गोगाजी के जागरण में गुरु गोरखनाथ जी का चिमटा नहीं होता तब तक गुरु गोरखनाथ जी उपस्थित नहीं होते। छड़ी अक्सर घर में ही रखी जाती है, वे उसकी पूजा की जाती है। केवल सावन और भादो के महीने में छड़ी को बाहर निकाला जाता है और छड़ी को सारे नगर में फेरी के तौर पर फिराया जाता है, ताकि नगर में किसी भी प्रकार के रोग बाधाएं ना हो। गोगाजी के भक्त दाहिने कंधे पर छड़ी रखकर फेरी लगवाते हैं। छड़ी को अक्सर लाल अथवा भगवे रंग के वस्त्र पर रखा जाता है। यदि किसी पर भूत प्रेत आदि की बाधा हो तो छड़ी को पीड़ित के शरीर से लगाकर उसे एक बार में ही ठीक कर दिया जाता है। भादो के महीने में श्रद्धालु गोगाजी महाराज के दर्शन के लिए छड़ी को साथ लेकर आते हैं और गोरख गंगा में स्नान कराकर जाहर वीर जी की समाधि से स्पर्श करवाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से छड़ी की शक्ति कायम रहती है। श्रद्धालु यहाँ प्रेम पूर्वक समूह में बैठकर जाहर वीर की जीवनी के किस्से गाकर सुनाते हैं। जीवनी सुनाते वक्त यहाँ पर डेरू और कांसे की थाली बजाई जाती है। गुरु गोरखनाथ जी की कथा पूरे राजस्थान में बहुत प्रचलित है। जाहर वीर की माता बाछल निसंतान थी। सभी प्रकार के यत्न करने के बावजूद भी
उनको संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगा मेडी के टीले पर तपस्या कर रहे थे तो बाछल देवी उनकी शरण में गई और गुरु गोरखनाथ ने माता बाछल को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया और एक गोगल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई और उसके बाद जाहरवीर गोगा जी का जन्म हुआ। गोगल फल के नाम से ही इनका नाम गोगा जी पड़ा। हे जाहरवीर गोगा जी महाराज, सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज। जय श्री गोगा जी महाराज।